ये देखिए किसान कुत्ते यहाँ पर जितने मिले हैं हमें काफी है, अभी अच्छे से सफा करके खाएंगे हम। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है अपना म्यूजिक फेस्टिवल का आखिरी दिन, लेकिन आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है और अपना मनोज दोस्त का भी बर्थडे है तो उन्होंने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। और मोनू दोस्त भी वापस आ चुका है तो आप भी जो है ब्रेकफास्ट करने का टाइम है, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ से फटाफट से निकलेंगे। तो ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे है अपना ब्रेड और क्या क्या है, बटर है, जैम है, तो इसी के साथ ब्रेकफास्ट होगी उसके बाद निकलेंगे हम लोग यहाँ से। थैंक यू। अंडा ब्रेकफास्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रेड, इसके ऊपर जैम, बटर सब कुछ लगा दिया मैंने और यहाँ पे मटर की घूगनी है और एक अंडा। और यहाँ पे अपना कार का ब्रदर भी आ चुका है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। क्या क्या है, ब्रेड एंड दारू पी रहे थे। दारू ये देखिए, सुबह का नाश्ता वाला दारू, लाल दारू यहाँ पे है अपना दारू ये देखिए पूरा भरती है, जिसको भी पीना है पूरा दारू से धुआं निकल रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अंडे पूरा है। तो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है दोस्तों और अभी निकलने का टाइम है। बाय बाय इगो आर्टिस्ट एंड यहाँ पे अपना लोगो, बाय बाय एंड अभी निकलेंगे हम लोग। अपना गाड़ी आ चुका है उधर में, मैं अपना बैकपैक निकाल लेता हूँ, बहुत भारी है भाई। तो सभी को बाय कर दिया, अभी चलते हैं। ये वाला है अपना गाड़ी, कहाँ दिक्की ना, सीट में रखने से हो जाएगा ना बैग। हाँ सिर्फ दो ही तो है, हाँ सिर्फ हम लोग ही है ना। अरे वाओ, अपना कैंपिंग स्पॉट बहुत मिस करूंगा यार, बिल्कुल जंगल के अंदर में, पहाड़ों के बीच में, बहुत ही मज़ेदार। फिलहाल जाना तो पड़ेगा और मनोज दोस्त का बर्थडे है तो मैंने उसे कुछ सरप्राइज देने के लिए भी कुछ प्लान किया हुआ है तो देखते हैं। और ऊपर से अपना मोनू दोस्त भी आ गया तो मोनू दोस्त के घर पर भी जाना पड़ेगा शायद, हमें आज का प्लान मनोज ने कॉल करके बताया, देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम लोग एक्चुअली सबसे पहले जाएंगे तिनसुकिया, वहाँ से फिर से हमें गाड़ी पकड़ना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी सब पूरा बिजी शेड्यूल में है। तो मैंने मैम को बोला होगा तिनसुकिया तक पहुँचाने से हो जाएगा, वहाँ से हम लोग अपना गाड़ी पकड़ लेंगे। बाय बाय स्टेज, यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस हुई थी, बाय बाय सभी, मिस करूँगा सभी को। और ये रहा पूरा फील, यहाँ पे पूरा ऑडियंस भरती थे कल। बस इस एटीपी पे मैंने राइड करना भूल गया था, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। और ये वाले रोप लाइन पे भी मैं चलना भूल गया यार, मिस कर दिया ये भी। देखो दौड़ के आ रही है, एक्चुअली वो गई थी संतरे लेने के लिए। जाते ट्रैवलिंग करते वक्त उसको मोशन सिकनेस होता है तो कुछ ना कुछ खा के जाना पड़ता है इसे। वाह मिल गया। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी तिनसुकिया में। तो यहाँ से हमें कुछ ट्रैवलर बस पकड़ना पड़ेगा या फिर विंगर पकड़ना पड़ेगा हमें। आओ इधर रहो, क्रॉस हो जाओ। अरे बाप रे, एक्चुअली हम लोग लकी निकले, आते ही फिर से एक नामसा जाने वाली गाड़ी मिली है तो इसी पे हम लोग जा रहे हैं। ये बस जो ट्रैवलर विंगर वगैरह है वो काफ़ी टाइम लगा रहे थे तो फिर हम लोग रात हो जाए। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं नामसा और यहाँ पे ऑटो में जा रहा हूँ मैं, ऐसे सीट नहीं मिला हमें। इतनी रात मेहनत करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंचे अभी गुना नगर और यहाँ से हमें जाना होगा अपने घर की तरफ लगभग और 3-4 किलोमीटर। तो बितुल भैया को कॉल किया हूँ, बितुल भैया आता ही होगा हमें लेने के लिए। ये देखो ये है गुना नगर अपना, बहुत ठंड लग रहा है, मैंने जैकेट लगाना भूल गया था, बैग के अंदर ही है, निकालना बहुत मुश्किल है इसलिए इसे छोड़ दिया हमें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक्चुअली जो है कल हम लोग रात को सो गए थे बहुत जल्दी और आज भी एक्चुअली अभी दोपहर का वक्त है, मैं बहुत रेस्टिंग ले रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ और ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ तो उस कारण थोड़ा सा रेस्ट ले रहा था। तो अभी बहुत रेस्ट हो गया है तो अभी हाथ में लिया हूँ अपना दांव, फिर से अपना गाँव की ज़िंदगी शुरू होती है आज से मेरा। तो अभी जा रहे एक्चुअली हम लोग जो है जेरी और मैं कुछ सब्जियाँ वगैरह ढूंढने के लिए अपने उधर बगीचे में, और कुछ आज आप लोग को कुछ खास चीज़ दिखाऊँगा जो हमारा
अपना ट्रेडिशनल वाला एक आलू, आलू की तरह फ्रूट ही होता है लेकिन वो आलू होता है अंदर में, मिट्टी के अंदर में, तो वो दिखाऊंगा आप लोग को। हम लोग अपने लैंग्वेज में जुरू आलू कहते हैं, शायद वो स्वीट पोटेटो के फैमिली में आता होगा, व्हाइट करके होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, उसे पकाने की जरूरत नहीं होता है, उसे बस कच्चे खाए जाते हैं। अपना गाँव बिल्कुल हरियाली का टाइम आ चुका है, पूरा हर तरफ में खेती के, यहाँ पे बीन की खेत की रखी है। एक्चुअली ये हमारा नहीं है, बजल लोग का है, ये बॉर्डर है, रास्ता जो है बॉर्डर है, इधर वाला हमारा जमीन है, तो उधर में कुछ सब्जियां होंगे, साथ जाके देख लेते हैं। जरिए देखो अपने घर में मम्मी के साथ बात करते हुए आ रही है, छोटू है, हाँ काट दिए हैं किसी ने पेड़। ओ हम लोग एक्चुअली अपने बगान को जो है क्लियर करने के लिए किसी को पैसे दिए थे, तो उन्होंने पूरा सफा कर दिया और ये साथ में सब्जियों का पेड़ भी काट दिया। उन्हें बताना भूल गए हम कि इसे नहीं काटना है। ये वाले देखिए, ये थोड़ा सा जिंदा है, ये पूरा काट दिया। इसमें कुछ सब्जियां भी थे, देखो लगे हुए थे सब्जियां। ये देखो हम ये सब्जियां लेने आए थे तो मिला नहीं। काफ़ी सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे अपना पुराना घर का भी थोड़ा सा लोकेशन दिखाओ। ये देखिए पूरा जंगल हो चुका है अपना पुराना घर, ये है अपना पुराना घर का लोकेशन। हम लोग बहुत मतलब 3 साल पहले यहीं पे रहते थे हम लोग, कुछ 3 साल समथिंग, 3 साल भी नहीं, अभी 2 साल ही हुए हैं शायद हम लोग उस वाले अभी जिस घर में रह रहे हैं वहाँ में शिफ्ट हुए हैं। तो मेरे जो पिताजी की डेथ हुई थी वो इसी घर में हुई थी, तो इस घर को बहुत मिस करता हूँ मैं, और ये वाला स्पेशली ये वाले एरिया को बहुत मिस करता हूँ। मेरे पुराने वीडियोस में भी ये घर काफ़ी देखने को मिलता है, मैं देखता हूँ कभी कभी अपने मेमोरीज को ताज़ा करने के लिए। तो ये रहा अपना छोटा सा पुराना वाला घर। तेरी को पूरा सरप्राइजिंगली क्या दिख गया यहाँ पे, कटल। पता नहीं अभी कटल का सीजन भी नहीं है, फिर भी कटल लगे वहाँ पे देख सकते हैं, दो सिर्फ दो, बहुत सब्जी टेस्टी होती है, तो हम लोग वहाँ से बड़ा वाला जो है वो तोड़ के लेके जाएंगे, अभी पेड़ पे चढ़ना होगा मुझे। वाओ अभी ये जा रहा है ऊपर, ओ बपरे इतना ऊपर है, मंकी मैन। ये देखिए अभी यहाँ से फेंक देता हूँ। ओ वो चलो लगेगा लगेगा, हाँ इसे और बड़ा हमें देते हैं, उसके बाद खाएंगे। ओके बहुत ही ऊपर है, वाह बढ़िया है ना, खाएंगे बिल्कुल सब्जी बना के। इतने ही लेके जाएंगे, काफी है, हो जाएगा। अभी फिर से आलू उखाड़ना है हमें, चलो। ये बुज्जे बहुत दिन से मिस कर रहा था बुज्जे को। कैसे हो बुज्जे? दोस्तों आप लोग को दिखाने का बारी है आलू। यहाँ पे गड्ढे देख सकते हैं आप लोग, मैंने कुछ दिन पहले निकाले थे यहाँ से और हम लोग खाए थे। और ये है आलू की खेत यहाँ पे, ये जो है एक्चुअली स्वीट पोटैटो टाइप का ही है। ये देखिए इसमें बीज भी लगते हैं, ये जो है नेक्स्ट ईयर इसे फिर से फार्मिंग करने के लिए काम आ जाएंगे। तो अभी हम निकालते, आप लोग को भी दिखाऊंगा हम लोग कैसे खाते हैं कैसे निकालते हैं। तो एक्चुअली ना इस वाले जो भी ये लताएं हैं इनके बिल्कुल जड़ को ढूंढना होगा, क्योंकि जड़ में ही होता है आलू, तो ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा, ढूंढ लेता हूँ। वाह मुझे मिल गया एक इसका जर। ये देखिए ये रहा उनका जर, अभी उखाड़ के देखते हैं। तो अभी यहाँ खोद के देखूंगा मैं, अंदर में आलू होगा, और हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं जुरो आलू, जुरो यानी कि ठंडा आलू यानी कि आलू। तो ये विंटर में ही होती है इसकी खेत, देखते हैं कितना मैच्योर हुआ, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं वैसे मैच्योर होने पर। वैसे ये दिसंबर जनवरी में होते हैं मैच्योर, अभी तो दिसंबर महीना कल परसों ही आने वाला है, तो शायद मैच्योर नहीं हुए मुझे लगता है। अरे यार काफ़ी छोटा है, अभी मैच्योर हुए नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा मैच्योर होने में। फिर से और हम एक दो खोद के देखते हैं, अगर मैच्योर नहीं होंगे तो हम छोड़ देंगे। जनवरी महीना में ही होते हैं एक्चुअली मैच्योर। थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ ना, ये देखिए बिल्कुल वाइट होता है अंदर में, और इसे छिलने पे देखिए अंदर बाहर में मिट्टी दिख रहा है, जैसे आप छिलोगे बिल्कुल अंदर में सफाई। ये देखिए आलू मीन्स आलू ही होता है, लोकल ऑर्गेनिक भी है, लोकल ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल। सच में यार ट्रेडिशनल है ये, पुराना जमाने से है। हाँ पुराने जमाने से, और लोग ज्यादातर लोगों तो इसके बारे में पता भी नहीं है। ये देखिए कैसा है, बहुत ही स्वीट होते हैं। जेरी के मुंह में भी पानी आ रहा है, चलो दे दो। मीठा है ना सच में। बुज्जे बुज्जे खाओगे? लेकिन नहीं खाता बुज्जे,
बहुत ही स्वीट होते हैं ये ज़्यादा दिख रहा है। पसीना निकल गया ना गर्मी। लो खाओ। यहाँ पे एक पहले से निकाला ये कीवी काफी छोटा है। एक्चुअली ये इसका साइज अगर हो जाता है मैच्योर तो मतलब 2-3 किलो तक हो जाएगा। अभी तो 100 ग्राम भी नहीं हुआ है। इसे निकाल लेता हूँ फिर। ये देखिए काफी छोटे छोटे हैं, बस इतने मिले हैं हमें, काफी है। अभी अच्छे से सफा करके खाएंगे, हम बहुत दिनों से खाए नहीं। चलो तो मैंने इन्हें सफा कर दिया, अच्छे से धो लिया दोस्तों। अभी खाने का टाइम है तो अभी खाएंगे सभी लोग मिलके। यहाँ पे घर पे तो सिर्फ मम्मी है, जेरी है और मैं हूँ। मंजिता और दीदी गए हैं, वो लोग ट्यूशन पे, मंजिता को ट्यूशन पे पहुँचाना पड़ता है डेली, इसलिए वहाँ पे गए हैं। तो उनके लिए भी छोड़ेंगे, हम एक एक खाएंगे बस। अभी खाते हैं, ले लो मम्मी। मम्मी को देखो कैसे छीलती है, देखो ऐसे बिल्कुल। कैसा है, मीठा है? अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, लेकिन जनवरी में अभी मम्मी कह रही थी कि जो बहुत छोटे अभी मैच्योर नहीं, अभी जस्ट ये लोग बड़े होने का टाइम आ गया है, एक तरह से एडोलेसेंस एज में आए हैं। अभी जनवरी में पूरा बड़े बड़े हो जाएंगे, एक का वजन 2-3 किलो तक हो जाएंगे। जेरी को देखो, जेरी भी खा रही है, सभी लोग खा रहे हैं, हम एक एक। मम्मी ये खा रही है, मेरा वाला ये रहा, और जेरी भी, और दीदी और मंजिता के लिए ये छोड़ेंगे। उसे भी और भी है खेत में, लेकिन वो काफ़ी छोटे हैं अभी, इस कारण हम उसे अभी नहीं तोड़ेंगे। हाँ ये देखिए स्वीट पोटैटो, हम अपने लैंग्वेज में बोले तो जुरो आलू। मंजिता और दीदी भी आ गए वापस, और ये लोग भी खा रहे हैं देखो आलू। हाँ मंजिता काफी दिनों से ब्लॉग्स में नहीं आ रही थी, आज मंजिता हाय बोलो सबको। हाय सबको। हाँ और ये दीदी खाने में बिजी हो। ये लोग खा रहे हैं ये अपना जुरो आलू, एंड यहाँ पे है स्टार फ्रूट। हाँ देखिए दोस्तों, कटहल को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके रख दिए इन्होंने, शाम को बिल्कुल कटहल की सब्जी पकेगी, बहुत ही मजे से खाएंगे आज। और यहाँ पे पता नहीं ये लोग क्या पकौड़े वकोड़े तलने के लिए वहाँ पे तैयार किया है। अभी पकौड़े तलने के लिए मुझे बुला रहे हैं। क्या कर रहे हो? पकोरे पकोरे, गरम गरम पकोरे, गरमा गरम पकोरे। और ये गरमा गरम पकोरे हो गए हैं तैयार। आइए किसको किसको खाना है मेरे शॉप पे, पकोरे द एक्सप्लोरर। ये ले लो। और हमने ये क्या बोलते हैं वहाँ पे खरीद के खाए थे ना, शायद इतने के 20 रुपये, ईगो म्यूजिक फेस्टिवल पे, इतने महंगे उधर में। गरमा गरम ले लो पकोरे। तब तो नहीं देगा, आओ मंजिता। अभी रात हो चुकी है दोस्तों, और अपना डिनर बन रहा है। और यहाँ पे दीदी ड्राई फिश जो है, ये अलग वैरायटी का ड्राई फिश होता है, जो नमकीन सा होता है, उसको पट्टे में लपेट के फ्राई कर रहे हैं, बिल्कुल ही टेस्टी। और जेरी यहाँ पे पका रही है, क्या पका रही है थोड़ा दिखाओ। वन एंड ओनली कटहल की सब्जी बिल्कुल ड्राई फिश के साथ, मजा। ये ले लो चम्मच। इतना स्पाइसी लग रहा है, मिर्च ज्यादा दे दिया क्या? नहीं ऐसे दिखेगा, इसमें फिर से हो जाएगा ना राइस फ्लावर, वो दे देगा ग्रेवी, ग्रेवी के लिए। डिनर भी रेडी हो चुका है दोस्तों, अभी डिनर करने का टाइम है। तो ये रहा अपना कटहल की सब्जी, आज जो हम लोग ये बगान से तोड़ के लाए थे, ये बिल्कुल ऐसे बनती है। देखिए ड्राई फिश के साथ तेल वगैरह क्या क्या डाला इसमें, मैं रेसिपी पूरा नहीं दिखा पाया, तो अगली बार जरूर ट्राई करेंगे रेसिपी दिखाने के लिए, क्योंकि अगर रेसिपी दिखा देता तो काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो बन जाता। नेक्स्ट टाइम जरूर दिखाऊंगा मैं। और भी है कटहल अपने पेड़ पे, और ये जो है इसके अंदर में ड्राई फिश है, मैं दिखा देता हूँ ड्राई फिश आपको। ड्राई फिश छोटा सा ड्राई फिश, ये बिल्कुल नमकीन वाला जो आती है ना एक, ये तो अवेलेबल होती है हर जगह पे। ये देखिए अंदर में ड्राई फिश का टुकड़ा, और ये जो है ये आपका लौकी के पत्ते हैं, तो फ्राई करना है बस, कुछ करना नहीं। और यहाँ पे बम्बू सूत की चटनी बन रही है, तो अभी खाएंगे हम लोग। मंजिता भी खा रही है, सभी लोग।
दोस्तों अभी जो है हमारा डिनर भी हो चुका है कंप्लीट, तो बहुत ही अच्छी तरीके से खाया, बहुत ही एकदम नेचुरल सब्जियां थी। तो अभी फिलहाल ये लोग सभी लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हो, सीरियल वगैरह देख रहे हैं जेरिक के फोन में। तो अभी मैं करूंगा वीडियो एडिटिंग। तो बहुत मतलब 3-4 दिन हो गए ना हम फैमिली लोग यूनाइटेड नहीं थे, तो हम लोग आ गए हैं अभी, सभी लोग मिल बात के खाए, बहुत ही अच्छा लगा। एंड हमने जो है ईगो म्यूजिक फेस्टिवल में गए, तो वहाँ जाके काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मतलब मिला हमें, कुछ बड़े बड़े लोगों के साथ मतलब एक्चुअली मिल नहीं पाया, फिर भी मतलब अच्छा तो लगा, एटलीस्ट सामने से तो देख लिया हमने, जिनके बारे में हम लोग वीडियोज़ बनाए, रितु रिवाजी के ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाया था उनको सपोर्ट करते हुए, तो उनको भी सामने से देख लिया। तो और हमारा करका ब्रदर, अपना जीरसोंग, और भी मार्जुम ब्रदर, और भी बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले वहाँ पे। और स्पेशल थैंक्स टू माहिर मैम जिन्होंने हमें ये मौका दिया, और द टाइसन टॉक शो के MD उनकी तरफ से जो है हमें ये कॉन्टैक्ट वगैरह हुआ, तो थैंक यू वेरी मच सभी को इतना बड़ा मौका देने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे म्यूजिक फेस्टिवल में एज एक तरह से गेस्ट में इन्फ्लुएंसर मैं जाऊँगा, तो बहुत ही अच्छा लगा। और खाना वगैरह भी बहुत अच्छी थे, एंड टेंट में तो भाई गजब मतलब बहुत ही बढ़िया लगा। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। बस मैं मतलब वो पैराग्लाइडिंग करना चाहता था, बहुत महंगा था, वो नहीं किया, करेंगे लेकिन लाइफ में ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।